हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज बनाने जा रही हूँ मैं आलू गोभी की सब्ज़ी। थोड़ा सा अलग तरह से बनाऊँगी, ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी है, क्योंकि आजकल आलू गोभी की सब्ज़ी नॉर्मली घर में सभी के बनती है, तो उसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे तो ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। आलू ले लिए हैं, चंक्स में काट लिए हैं, गोभी को भी थोड़े बड़े बड़े फ्लोरेट्स रखे हैं। दो प्याज का मैंने यहाँ पेस्ट बना लिया है, एक बड़े टमाटर या दो छोटे साइज़ के टमाटर का भी पेस्ट बना लिया है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले रही हूँ, अगर आपके पास रेडीमेड ना हो तो घर में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन लेकर थोड़ा सा पानी डालकर उसमें उसको पेस्ट बना लीजिए। तो शुरुआत करूँगी एक पैन या कढ़ाई से। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा तेल डालते हैं, 1 चम्मच के आसपास ही लिया है मैंने यहाँ पर। इसमें हमने करना ये है कि पहले हम आलू और गोभी जो है उसको थोड़ा सा भूनेंगे। तो जैसे ही थोड़ा गर्म हो इसमें आलू डाल देंगे। और इसको हम भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। फिर से इसी पैन में अब मैं यहाँ पर सरसों का तेल ले रही हूँ, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, सरसों वो रिफाइंड ऑयल भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो मसाला पकाना है तो थोड़ा सा सरसों का तेल, तेल अगर आप ज़्यादा खाते हैं कम खाते हैं ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार होता है कुछ सब्जियां कम तेल में कम अच्छी बनती हैं, क्योंकि पिसे मसाले भूनने में हमें ज़्यादातर थोड़ा ऑयल की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से आप अपने हिसाब से तेल कम या ज़्यादा कर लीजिए। तेज़ पत्ता ले लिया है, तो दालचीनी ले ली है, चाहें तो यहाँ पर एक दो लौंग का डाल सकते हैं आप। प्याज का पेस्ट डाल दूंगी। इसको भून लेती हूँ। जैसे ये धीरे धीरे भुनेगी इसमें हम साथ ही साथ सूखे मसाले भी डाल लेते हैं, उनको भी भून लेंगे, जैसे कि हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, ये कम तीखी वाली है, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक हम लास्ट में डालेंगे, इनको भी मिक्स कर लेते हैं और धीमी आंच पर या मीडियम फ्लेम करते हुए प्याज को अच्छे से भून लेना है। आप इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन कई बार आप पैन या कढ़ाई में बनाकर इसको देखिए, ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। प्याज लगभग भुनने ही वाली है। अब इसमें डाल देते हैं टमाटर की प्यूरी। आप टमाटर की प्यूरी बनाते वक्त इसमें कुछ भिगोए हुए काजू भी पीस सकते हैं, खसखस वगैरह, तो और भी सब्ज़ी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। यहाँ पर मैंने आपको सबसे सरल तरीका बताया है, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे काजू जो है किचन में
हर समय उपलब्ध नहीं रहते हैं, तो आप उसके बिना भी बना सकते हैं। यहाँ पर नमक डालूंगी, और टमाटर को भी अच्छे से पका लेंगे, जिससे कि जो पानी है एक्स्ट्रा वो पक जाए और टमाटर अच्छे से पक जाए। मसाला पक चुका है तो अब इसमें हम सब्जी डाल देंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को अभी भी मैंने मीडियम ही रखा हुआ है। इसमें जो खड़े गरम मसाले डाले गए हैं उनका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऑप्शनल है, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं तो आप ना डालें, क्योंकि उससे एक अलग ही स्ट्रांगनेस आती है सब्ज़ी में। इस तरह से डालकर भी इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। मसालों में डालने के बाद में सब्जियों को भूनना बहुत ज़रूरी होता है। तुरंत ही पानी ना डालें, उसी से फ़र्क पड़ जाता है सब्ज़ी के टेस्ट में। तुरंत कभी भी सब्ज़ी को मिक्स करने के बाद पानी ना डालें, 1 से 1.5 मिनट तक ज़रूर भूनें उसको मीडियम या हाई फ्लेम में। जब लगे आपको कि सब्ज़ी नीचे से लगने लगी है, थोड़ी सूखने लगी है, तभी इसमें पानी डालें। अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दूँगी, जितनी ग्रेवी चाहिए आपको। ज़्यादा नहीं बनाना चाहते हैं तो गाढ़ा ही रखें, धीमी आंच में पकाने की ज़रूरत होगी। बस मैंने यहाँ पर इतनी ग्रेवी रखी हुई है राइस वगैरह के साथ खाने के लिए। देखिए, आप यहाँ पर चाहें तो कसूरी मेथी भी ऊपर से डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है कसूरी मेथी से, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। अब इसको ढककर पका लूँगी तब तक जब तक ये पक नहीं जाती है, और अपने मनपसंद का इसमें हमें रसा भी रखूँगी। तो आप नमक और मिर्च यहाँ पर टेस्ट कर लें, कम लगे तो और डाल दीजिए, अदरवाइज इसको ढककर अब पकाना है। बहुत हल्की सी कसूरी मेथी मैंने डाल दी है और अब ढककर पका लूँगी मीडियम टू लो फ्लेम में। सब्जी को मैंने इस कंसिस्टेंसी तक फ्रेंड्स पका लिया है, आप अपने मनपसंद कंसिस्टेंसी में पका लीजिए। और इसको हरा धनिया डालकर अब सर्व करेंगे, ये बिल्कुल बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर हमें बता दें। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं वीडियो के बारे में या मेरे बारे में, चैनल के बारे में, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आगे भी मिलती हूँ आपको किसी अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड बाय बाय।